दोस्तों अगर आप आईआईटी जी मेन और एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप एक मैथमेटिक्स की अच्छी बुक खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट के स्किल्स के हिसाब से। हाँ मेरे दोस्तों, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एक स्ट्रांग स्टूडेंट हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए, एक आप स्ट्रांग स्टूडेंट हो तो आपको कौन सी बुक देखनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टॉप रैंकर फॉर यू आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए तो आप यूट्यूब के बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। मेरे दोस्तों बहुत से ज्यादा बुक खरीदने से अच्छा है कि आप जो है कम से कम बेस्ट बुक खरीदें और उस पे ज्यादा से ज्यादा कमांड करें। मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और थ्योरी पार्ट के लिए मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले आप कोचिंग से आईआईटी जी मेंस और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग का मटेरियल जो है आपके लिए एक लाइफ लाइन साबित होगा और आप हमेशा कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ते रहे। इसके बाद जो है आरडी शर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक आती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, उसको आप जरूर खरीद लें। मेरे दोस्तों अगर आप आरडी शर्मा की बुक ऑलरेडी आप कर लिए हैं और मैथमेटिक्स में आप थोड़ा स्ट्रांग हैं और कोई अलग बुक देखना चाहते हैं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएल लोनी की बुक सजेस्ट करूंगा, और अगर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में कोई बुक देखना चाहते हैं तो भी एसएल लोनी जो है इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक है। मेरे दोस्तों अलजेब्रा के लिए एक बुक है हॉल एंड नाइट, बेसिकली सारे टॉपिक्स इसके अच्छे नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक जो है आप अपने टीचर से पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस के लिए बर्मन साहब को कौन नहीं जानता। मेरे दोस्तों अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं और आप तैयारी अपने आप करना चाहते हैं तो आप फिट जी का मटेरियल स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन किसी से मांग सकते हैं या जुगाड़ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, स्पेशली आप जी मेन क्वालिफाई कर लिए हैं, जी एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो टीएमएच की मैथमेटिक्स की बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप बहुत से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं आप एमएल खन्ना को भी देख सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है लॉट ऑफ एमसीक्यू तो दास गुप्ता या बेसिकली अरिहन सीरीज कोई एक ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों जैसा मैंने सारे बुक्स का नाम लिया, कोई जरूरी नहीं कि सारे बुक आपको खरीदनी ही है, आप अपने स्किल्स के हिसाब से जितनी आपकी तैयारी है उस हिसाब से बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, कोई भी आप मार्केट से बुक प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। मेरे दोस्तों जो मैंने बुक की बात किया आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप इस बुक को का प्राइस जान सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारा मेहनत आपके लिए थोड़ा भी फायदेमंद हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।